जब भी अगर अपन एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग के अंदर में सबसे पहले हमको ये चीज नहीं देखना है कि वो कितने एचपी का है कितने एचपी का नहीं है। हमको सिर्फ जब भी अगर किसी सिस्टम पे एड्रेसिंग करना होता है तो सिस्टम पे एड्रेसिंग करने के समय में हमारे जो भी सिस्टम है चाहे मास्टर हो चाहे स्लेव, उनकी पावर सप्लाई वगैरह को अपने को ऑन कर देना है। 8 से 6 घंटा 8 घंटा लगभग इसकी पावर सप्लाई ऑन करने से जितने भी जो हमारा सिस्टम है वो प्री हीट हो जाएगा, जिससे कि हमारे जितने भी जो ऑयल सेपरेटर्स वगैरह हैं या फिर हमारे जितने भी जो कंप्रेसर्स हैं जो ऑयल वगैरह है प्री हीट हो जाएगा, तो कंप्रेसर का लुब्रिकेंट्स आसान हो जाएगा। इसलिए कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले उसको प्री हीट करना जरूरी है। उसके अलावा पावर सप्लाई इंडोर यूनिट्स का सारा ऑन कर देना है जब भी हम स्टार्टिंग के अंदर में जब एड्रेसिंग वगैरह अपन करने के लिए जाते हैं। तो उसके अलावा हमारे को सिस्टम के अंदर में क्या है, जैसे F1 F2 जो वायरिंग होती है ना हमारी कम्युनिकेशन वायरिंग का वोल्ट चेक कर लेना है कि 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर में आगे की जो सेटिंग है उस सेटिंग के अंदर में हमको क्या करना है कि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर में जो अगला जो जिसमें अपन पुश बटन सेटिंग्स वगैरह करते हैं, पुश बटन सेटिंग्स वगैरह क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा थर्मोस्टेट है जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, यहाँ पे पुश बटन सेटिंग्स वगैरह है जो हमको करना है। ठीक है ना, इसके अंदर में थर्मोस्टेट के पावर ऑन कर लेना है। पावर ऑन करने के बाद के अंदर में ये पहला काम तो है पावर ऑन करना, थर्मोस्टेट का पावर ऑन करेंगे अपन। उसके बाद के अंदर में यहाँ पे आपको एक नीचे की तरफ में टेस्ट बटन नजर आएगा, टेस्ट बटन। इस टेस्ट बटन को अपने को क्या सर करना दिख नहीं है, रहा कुछ, सर हेलो थर्मोस्टेट का दिख वो नहीं रहा, क्लियर नहीं है सर, वो पेज ओपन करेगा तो हम दिखेगा। एक सेकंड हाँ क्या सर अभी आ रहा है, कह अभी भी नहीं आ रहे सर? गया सर, अभी नहीं आ रहा है। नहीं वो तो मैंने हटा दिया था, आपको क्या नजर नहीं आ रहा था? रिमोट का क्या हुआ थर्मोस्टेट था? थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट अच्छा थर्मोस्टेट आपको नजर नहीं आ रहा था? हाँ, वो बोलेगा छोटा से दिख रहा था बस, बड़ा नहीं उसको अच्छा छोटा दिख रहा था आपको, बटन बड़ा नहीं दिख रहा था। एक मिनट रुको, नहीं। ये थर्मोस्टेट है, अभी देखो अभी कैसा दिख रहा है। नहीं दिख नहीं दिख रहा है? रहा नहीं नहीं नहीं। यार दिखना तो चाहिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक बार यहां से डायरेक्ट पिक्चर शेयर करके आपको बता देता हूँ कैसा है टाइम से। एक काम करते, नहीं तो मेरी बात सुनो, हाँ बोलिए सर। एक सेकंड। हाँ भी दिख रहा है सर, सेम अभी गया। वैसे ही दिख रहा है ना? अरे यार देखो इसमें क्या पता नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, या तो इसका विंडोज चेंज कराना पड़ेगा। अभी पिछले 1 हफ्ते से दिक्कत हो रहा है इसमें शेयरिंग का, जब भी शेयर करते हैं ना ये बैकग्राउंड में चला जाता है, दिखता ही नहीं इसके अंदर में स्क्रीन पे, जबकि बैकग्राउंड में और कोई स्क्रीन भी नहीं चल रही इसमें। स्क्रीन और चलता हो तो समझ में आता है कि स्क्रीन चल रही है, कोई भी स्क्रीन नहीं है इसके अलावा। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर भी अपन चीजों को क्लियर करेंगे। एक बार मैं वापस क्लियर वापस शेयर करता हूँ, आप इसमें देखना आपको नजर आ रहा है क्या? ये तो डिस्प्ले तो नजर आ रहा है ना आपको, मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ क्लियर नजर नहीं आ रहा है? नहीं अभी अभी कुछ चला नहीं आ नहीं रहा है। था, चला गया, एक बार दिख रहा था बाद में चलो गया। चले जाने दो इसको, चले जाने दो इसको, इसका ओके भी दिन हो गया, चले जाने जाने दो इसको, कोई okay. टेंशन नहीं। मैं बैठा हूँ आपके साथ, मेरी बात सुनो। मैं क्या करता हूँ,
ये जो है ना ओके मतलब जो अभी मैंने जो सारी सेटिंग्स वगैरह बता रखा है इसमें टेस्ट ऑपरेशन वगैरह का, बेसिकली ये सारी सेटिंग का जो वीडियो है ना मैं बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप पहले अंडरस्टैंड कर लेना। अंडरस्टैंड करने के बाद में कोई क्वेश्चन वगैरह रहते हैं ना आपके तो मेरे से क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है जैसे एक तो सारा एड्रेसिंग वगैरह हो गया, साथ के अंदर में जो टेस्ट ऑपरेशन हो गया, एड्रेसिंग की सेटिंग अलग है, टेस्ट ऑपरेशन की सेटिंग अलग है, उसके अलावा इंडोर आउटडोर वगैरह कितने कनेक्टेड है कितने कनेक्टेड नहीं है वो उसका सेटिंग अलग है, उसके अलावा जो भी हमारा जो ऑटो गैस चार्ज प्रोसेस है उसका सेटिंग वगैरह अलग है, उसके अलावा जो हमारा सिस्टम के अंदर में ये अभी क्या ये कंटेंट है जो भी मेरे पास अभी इसके अंदर में रेडी है, जो एक एक वीडियो के अंदर में मैं ये सारे बना दूंगा, उसके अलावा ट्रबल शूटिंग वाले वीडियोज हैं वो अलग रहेंगे, बाकी जो बेसिक सेटिंग्स है ना जब न्यू सिस्टम पे अपन करने जाते हैं जैसे पहला काम क्या होगा स्टार्टिंग के अंदर में हमको सबसे पहला काम तो सिस्टम में एड्रेसिंग करना ही हो गया। अब एड्रेसिंग करने के अंदर में बेसिकली अगर मैं मुंह से बोल के बताऊं आपको तो क्या होता है कि हमारा जो थर्मोस्टेट डिस्प्ले तो आपने देखा होगा कभी है ना, थर्मोस्टेट डिस्प्ले वगैरह देखा होगा अपनी पीसीबी के अंदर में, तो मैं एक बार यार इसको क्या है कि आपको वीडियो बना के बता दूंगा ना तो जल्दी से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे वैसे भी बोलूंगा तो भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है, लेकिन आपको इतनी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, तो वीडियोस के माध्यम से एक बार मैं क्लियर कर दूंगा आपको। एड्रेसिंग की सेटिंग है, एड्रेसिंग की सेटिंग के साथ में टेस्ट ऑपरेशन की के बारे में है, और उसके अलावा ऑटो गैस चार्ज प्रोसेस वगैरह, क्योंकि जब तक सिस्टम में सेटिंग नहीं होगी बाकी कोई भी फंक्शनिंग अपन सिस्टम में कर नहीं पाएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एड्रेसिंग के बारे में, तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं एड्रेसिंग कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है, एड्रेसिंग कहाँ पे होती है और कहाँ नहीं होती है, एड्रेसिंग किन प्रोजेक्ट पे होती है और किन प्रोजेक्ट पे नहीं होती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता कि एड्रेसिंग मतलब सब जगह होती है जैसे डेकन वीआरवी मान लो आपको लगता है डेकन वीआरवी के अंदर में सब जगह एड्रेसिंग होती है तो सब जगह एड्रेसिंग नहीं होती है, मतलब किन्हीं प्रोजेक्ट पे होती है किन्हीं प्रोजेक्ट में नहीं होती, तो वो कौन से तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे एड्रेसिंग होती है और वो कौन से तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे एड्रेसिंग नहीं होती है, या मतलब देखा जाए तो एड्रेसिंग रिक्वायर्ड कहाँ पे होती है, मतलब कभी भी किसी भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल या किसी भी तरीका का एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग का काम हो, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग मतलब जहाँ पे 10 20 30 ऐसी लगे हैं लेकिन एक सेंट्रलाइज मॉनिटर हो जिस हॉस्पिटल्स हो गए उनको पता है कि रूम पे कितना टेम्परेचर रखना है, समझ रहे हो ना, तो या फिर रेजिडेंशियल है तो उनको पता है कि हमारे मतलब मकान का जो है या हमारे कितना टेम्परेचर हमको या हमारे हाउस के अंदर में मेंटेन करना है, जैसे ऑफिसेस वगैरह हो गए कॉमर्शियल ऑफिसेस वगैरह हो गए उनको पता है कि हमारे फ्लोर पे हमको कितने 10 20 ऐसी हैं उन पे क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो एक सेंट्रलाइज रिमोट यूज करते हैं कंट्रोल यूज करते हैं, तो जहां पे भी सेंट्रलाइज कंट्रोल यूज होते हैं वहां पे हमको एड्रेसिंग करना जरूरी होता है, अन्यथा आप एड्रेसिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मुश्किल नहीं है ठीक है ना। अब उसके अलावा एड्रेसिंग और कहाँ नहीं होता है, जैसे रेजिडेंशियल के अंदर में मैं बात करता हूँ होटल्स वगैरह की, तो होटल्स वगैरह के अंदर में क्या होता है कि अलग अलग रूम होते हैं, सब में सेपरेट रूम होते हैं, अब वहां पे जो टेम्परेचर चाहिए वो भी डिजायर टेम्परेचर चाहिए, किसको क्या टेम्परेचर चाहिए किसको क्या टेम्परेचर चाहिए मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो वहां पे सेंट्रलाइज जो है हम रिमोट नहीं लगाते हैं, वहां पे हम सेंट्रलाइज रिमोट नहीं लगाते हैं, वहां पे मैं हाँ मेंटेनेंस के हिसाब से हम सेंट्रलाइज कंट्रोल के हिसाब से हम मॉनिटर अपने जो कंट्रोल को देते हैं हम अपने सर्वर को देते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम जो एड्रेसिंग जो का जो पर्पस है जहां से कि हम सारे इंडोर यूनिट्स को हम कंट्रोल कर सके वो वाला सिस्टम इसके अंदर में नहीं करते हैं, यहाँ पे होटल्स वगैरह के अंदर में हम पर्टिकुलर जितने भी थर्मोस्टेट है वो पर्टिकुलर अलग अलग हम एड्रेसिंग करते हैं, यहाँ पे एड्रेसिंग के अंदर में इसमें क्या करना होता है कि थर्मोस्टेट के अंदर में थर्मोस्टेट कंट्रोल बोलते हैं, मैं थर्मोस्टेट ज्यादा बोलता हूँ, कंट्रोल है कंट्रोल जो होता है ना अपना जहाँ पे अपन टेम्परेचर अप एंड डाउन करते हैं ना, तो उसमें एक बटन होता है टेस्ट बटन ठीक है, उस टेस्ट बटन को हम कब दबाते हैं पहले तो उस थर्मोस्टेट कंट्रोल की पावर ऑन करना चाहिए, पावर ऑन करने के बाद में उस टेस्ट बटन को हमको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना चाहिए, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा 6 सेकंड भी हो सकता है 7 सेकंड भी हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना हमको करना चाहिए 5 सेकंड के लिए हमको प्रेस, जैसे ही हम करेंगे तो ऑन डिस्प्ले जो हमारा डिस्प्ले रहेगा डिस्प्ले के ऊपर में हमको
कुछ डिस्प्ले के अंदर में हमको कुछ नंबरिंग करने के लिए जैसे आते हैं ना अपन टाइम सेट करते हैं, उसके हिसाब से नंबर सेट करने का हमको एक वहां पे डिस्प्ले पे नजर आएगा। तो उसमें जो डिस्प्ले पे हम जिस इंडोर पे हम ये काम कर रहे हैं उसको नंबर क्या देना है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर कुछ भी नंबर देना है। तो ये नंबरिंग हम सेटिंग कहां से करेंगे, वहां टाइमर का एक ऑप्शन रहता है। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको स्क्रीन नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। जी सर यस। इसमें क्या ये थर्मोस्टेट ये कंट्रोल है, इस कंट्रोल में यहाँ पे एक टेस्ट बटन का है और ये टाइमर का यहाँ पे है बीच के अंदर में, है घड़ी जैसा बना रहता है यहाँ पे टाइमर का, जिसमें अप एंड डाउन है ना, आप अप एंड डाउन इसमें सेट कर सकते हैं, नंबर सेट कर सकते हैं इसके अंदर में। जी जब ये नंबर सेट कर लेते हो ना आप, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट बटन है ना, इसको एक बार अपने को प्रेस करना है। एक बार प्रेस कर लेंगे ना तो ये नॉर्मल स्थिति में वापस चला जाएगा और उस सिस्टम की जो है ना एड्रेसिंग हो जाएगी। जी पहला काम क्या है, पावर सप्लाई ऑन करना है। पावर यहाँ पे ये पावर वाला स्विच है, इसको अपन प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा थर्मोस्टेट का कंट्रोल का। उसके बाद में टेस्ट बटन को 5 सेकंड के लिए अपन को प्रेस करना है, 5 सेकंड से मोर मतलब 5, 6, 7 भी हो सकता है, लेकिन 5 सेकंड के लिए ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले पे डैश डैश आ जाएगा 0-0। वहां से फिर अपने को यहाँ पे टाइमर का ये है ना, इसे अप एंड डाउन में 1 या 2 या 3 या 5 जो भी हमको सेट करना है, उस इंडोर को जो नंबरिंग देना वो दे दिया अपन ने। देने के बाद में यहाँ पे ये यहाँ पे ये पास वाला बटन है यहाँ पे, इसको अपन प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल स्थिति में चला जाएगा। फिर यहाँ पे टेस्ट बटन से अपन बैक हो जाएंगे वापस। ये इतना नॉर्मल अपने को टेस्ट ऑपरेशन है, ये सॉरी एड्रेसिंग का काम होता है सारे इंडोर्स वगैरह में, इसी तरीके से एड्रेसिंग वगैरह अपन करते हैं। समझ में आया? ये मास्टर मोड है। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। तो ये मास्टर रिमोट है? नहीं ये मास्टर रिमोट से किसी भी यूनिट का मास्टर रिमोट नहीं है, ये तो पर्सनल बता रहा हूँ मैं आपको। जब एक एक इंडोर का जब एड्रेसिंग करते हैं ना अपन, एक एक इंडोर यूनिट का जब एड्रेसिंग करते हैं अपन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मास्टर यूनिट मास्टर जो एड्रेसिंग है ना वो अलग है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इंडोर टू इंडोर बात कर रहा हूँ। वो नहीं ये जो दिखाया ना सर, ये तो मास्टर रिमोट है, एक पैनल में की जगह लगा होता है। मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप ऐसे थर्मो ऐसे कंट्रोल आपको हर यूनिट पे भी मिल सकते हैं, ये मास्टर यूनिट की बात नहीं है। ऐसे रिमोट मैंने बहुत लगाए हैं, समझ रहे हो ना, तो आप इसको देख, मास्टर यूनिट जो होता है ना उसका साइज अलग होता है, उसका डिस्प्ले अलग होता है, ये दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन ये जो मैंने बताया ना ये नहीं है, ये सेपरेट है। और भी देख है ना, ये सेपरेट है, ये अलग है, और इंडिविजुअल रिमोट है। इंडिविजुअल रिमोट है, मास्टर वाला नहीं है ये। आज मास्टर वाला जो रिमोट है वो अलग आता है इसके अंदर में। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया आपको? हाँ यस सर। ठीक है ना, तो अब एड्रेसिंग पक्का समझ में आ गया आपको कैसे करना है?
वो अभी 30 यूनिट रहेगा तो 30 नंबर देना पड़ेगा, एक एक बिल्कुल एक एक नंबर, एक है तो एक से पांच है, सात एक दो से जो भी है उसमें आठ दे दिया देने। हाँ ना, एड्रेसिंग इस तरीके सबका सेम रहेगा सर क्या? नहीं नहीं अलग अलग रहे, अलग अलग रहेगा सबका, मतलब वीआरवी थ्री वीआरवी फोर का सेम ऐसे रहेगा प्रोसेस की इसमें कुछ अलग रहेगा? वीआरवी थ्री और वीआरवी फोर में एक जैसा ही है। अच्छा रिजवान भाई समझ में आ गया आपको? नंबर अलग अलग देना है? इसमें हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था इंडोर को सेम देना है कि अलग अलग नंबर देना है? नहीं सेम नंबर थोड़ी देना है, सबको अलग अलग देना। अगर सेम नंबर दे दिया ना तो उसमें फिर वो एड्रेसिंग लेगा नहीं, उसमें कोड आने लग जाएगा फिर। हेलो अलग अलग देना है? क्वांटिटी अपर इंडोर, इंडोर जितना क्वांटिटी हम लोग 1 2 3 4 5 जितना लगा हुआ बिल्डिंग में वो हिसाब में नंबरिंग करना, यही बोल रहे हैं सर। हेलो, हाँ हेलो जी सर, ये आप बता रहे हैं जो पहले ऑन करने के लिए फिर टेस्ट बटन 5 सेकंड दबाने के लिए और उसके बाद टाइमर के थ्रू हम अपना यूनिट नंबर सेटिंग कर देते हैं, तो उसके बाद ओके प्रेस करना के लिए कहीं नहीं है वो, मतलब एज इट इज फिर हमको टेस्ट पे बटन दबाएंगे फिर वो ओके हो जाएगा क्या? एक बटन है इसके अंदर में, मैंने बताया ना जो टाइमर के पास में, ये अभी आपको डिस्प्ले पे बता देता हूँ मैं आपको। जो टेस्ट बटन है ना, हेलो टेस्ट बटन है ना, टेस्ट बटन को आप एक बार वंस टाइम प्रेस करोगे ना तो ये नॉर्मल हो जाएगा वापस। मैंने ओके हो गया? हाँ वो ओके हो जाएगा वो। फिर अगर यूनिट का मान लीजिए जैसे हमको चेंज करना, उसको सर्किट नंबर हमको रिप्लेस करना है तो फिर उसके लिए कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए बाय फॉरगेट अगर चेंज हो जाता है, मान लीजिए किसी यूनिट को हमने 20 बनाया किसी को 25 बनाया, मैं चाह रहा हूँ 25 को गलती से डाला गया, अब उसको फिर हम 21 करना चाहेंगे तो फिर कैसे? आप सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा फिर सेम प्रोसेस से ही जा करके उसको ये करना। हाँ। ठीक, उसके अलावा रिमोट से सेटिंग ना सर। हाँ। हेलो, हाँ बोलिए। ये तो हुआ रिमोट से सेटिंग सर, कि रिमोट से हमने ये बना लिया कि ये मैंने ये मतलब यूनिट को मैंने इतना नंबर दिया, सपोज 25 दिया बराबर, फिर आउटडोर में कैसे करेंगे सर? आउटडोर के अंदर में तो एड्रेसिंग का जो स्लेव यूनिट होता है और मास्टर यूनिट होता है उसका एड्रेसिंग अलग है, अभी मैं इंडोर यूनिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है चलिए, और अब तो ये थ्री और फोर दोनों का सेम ही है। हाँ वीआरवी थ्री एंड फोर दोनों का सेम ही है। मास्टर यूनिट होता है ना, इसके अंदर में कोई एडिशनल ज्यादा वो एड्रेसिंग इसके अंदर में ज्यादा फंक्शनिंग करने का वो नहीं होता है वीआरवी फोर के अंदर में या वीआरवी, जैसे अपन यहाँ पे कम्युनिकेशन वायरिंग मास्टर यूनिट में ले जाने के बाद में जितना भी जो सेटिंग्स वगैरह या कोई फंक्शनिंग करते हैं वो मास्टर यूनिट में। मास्टर यूनिट बनाने का जो इसमें सबसे सिंपल तरीका है वो ये कि आपकी जो कम्युनिकेशन वायरिंग है ना वो तो खैर आपने बता दिया पहले ही कि जो आएगा वो कम्युनिकेट होकर के सीधा जो जिसमें भी हम डालेंगे वो मास्टर होगा और उसी में हमको प्रोग्रामिंग सेट करना एड्रेसिंग करना। हाँ वो तो बराबर आपने पहले भी बता रखा है, ठीक है ना। अब उसके अलावा क्या जैसे इस अगर आगे बढ़िए, हाँ ये जब एड्रेसिंग हो जाता तो अभी सिस्टम अपना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी सिर्फ अपने इंडोर को एड्रेस किया है ताकि हम हमारा इंडोर इसको रीड कर सके कि हमारे पास में कितना इंडोर है। जब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो गैस चार्ज करने से पहले एड्रेसिंग करना है, क्योंकि एड्रेसिंग करेंगे गैस चार्ज करेंगे तब तो सारे इंडोर ऑन होने चाहिए, तो इंडोर तो तब ऑन होंगे ना जब हमारी एड्रेसिंग कम्प्लीट होगी। तो है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है जैसे टेस्ट ऑपरेशन करते हैं अपन, टेस्ट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, सिस्टम को जब न्यू इंस्टॉल सिस्टम होता है ना, जो नया इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है जब हम टेस्ट ऑपरेशन करते हैं तो टेस्ट ऑपरेशन के समय हमारे को उसके अंदर में प्रोग्राम करना रहता है। प्रोग्राम किस तरीके से करना रहता है वो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। कभी भी अगर हम सिस्टम के अंदर में न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किया है, नया प्रोजेक्ट वगैरह इंस्टॉलेशन किया, उसके बाद के अंदर में हम अगर सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 6 घंटा हमको पावर सप्लाई ऑन रखना है। पावर सप्लाई ऑन रखने के बाद में यार मेरे पास क्या वो काफी थे कंटेंट, कोई बात नहीं, मैं वो उसका अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा मैं। तो इसके अंदर में क्या होता है, जब सिस्टम के अंदर में हम पावर सप्लाई वगैरह ऑन कर देते हैं, एड्रेसिंग वगैरह कंप्लीट कर देते हैं, फिर सिस्टम के अंदर में हमको काम करना होता है। सिस्टम के अंदर में क्या काम करना होता है कि जब भी हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो जो हमारा सेगमेंट है, जैसे SW01, SW02 है या फिर BS1, BS2, ये है, इन सब के अंदर में हमारा जो डिस्प्ले रहता है, उस डिस्प्ले के अंदर में हमको क्या चीजें शो होती रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें किस तरीके से हमारा टेस्ट ऑपरेशन की जो सेटिंग्स वगैरह है हमारे को करना है। तो पहले जब भी अगर हम टेस्ट ऑपरेशन करेंगे तो जो सेगमेंट लाइट है वो वहां पे ब्लिंक करेगी, सेगमेंट लाइट 00 ब्लिंक रहेगी। ये लगभग कितनी देर रह सकती है, ये लगभग 2 मिनट तक रह सकती है, इससे ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन मिनिमम 2 मिनट तक सेगमेंट लाइट डिस्प्ले पे रहेगी, जिसपे 00 रहेगा, कुछ भी एडिशनल इस पे नंबरिंग वगैरह नहीं रहेगा। उसके बाद सिस्टम के अंदर में जो BS2 है, ठीक है ना, सेट बटन भी बोल सकते हैं या BS2 भी बोल सकते हैं उसको। जब BS2 को अगर अपन प्रेस करेंगे रेगुलरली, होल्ड करेंगे मतलब, तो हमको कितना होल्ड करना है, लगभग 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है। जब 5 सेकंड के लिए अपन उसको होल्ड करेंगे, उसके बाद के अंदर में हमारा जो सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद में हमारे जो सिस्टम के डिस्प्ले पे क्या आएगा, T01 आएगा उसके ऊपर में, T01 आएगा डिस्प्ले के अंदर में, T01। वो इमेज देखे नहीं, इमेज नहीं दिखाइएगा सर, इमेज जरा सा दिखाइए ना। मैं कह रहा हूँ इमेजेस है, लेकिन यार ये मेरा विंडोज है ना, मुझे लगता है ऐसा, ये विंडोज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका जो पिक्चर के साथ में बनाया हुआ है ना, वो उसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा मैं, और वीडियोस भी आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो पीडीएफ से आप रीड कर सकते हो और वीडियो से आप समझ सकते हो, दोनों चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। हाँ, तो बेसिकली क्या, जब 5 सेकंड के लिए अगर हम BS2 को होल्ड करेंगे तो ये क्या है कि टेस्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा, और सेगमेंट या अपने डिस्प्ले के अंदर में T01 अपने को बताएगा। तो यहाँ पे जब T01 बता देता है ये, उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है इसका ऑपरेशन, टेस्ट ऑपरेशन इसका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और टेस्ट ऑपरेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर में, हमारे सिस्टम के अंदर में पूरा जो सिस्टम है, लगभग ये आधा घंटा भी ले सकता है, 1 घंटा भी ले सकता है, या तो 1 घंटा ले लेगा या आधा घंटा ले लेगा, आधे 1 घंटे के